हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना। वेलकम टू मोनास गौरमे किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत टेस्टी, हर किसी को पसंद आने वाली पाव भाजी, जो हर कोई पसंद करता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, 2 गाजर ली हैं मैंने, 1 शिमला मिर्च ली है, 5 आलू हैं मीडियम साइज के, 1 कप मटर है फ्रोजन है ये, 3 हैं हरी मिर्चें, 1/2 कप ली है मैंने टोमेटो प्यूरी, आप चाहे तो फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टी स्पून गर्म मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। मैंने वेजिटेबल्स को रफली चॉप कर लिया है। मैंने गैस पे प्रेशर कुकर रखा है, उसमें मैं सारी सब्जियां डाल दूंगी। और 1/2 कप मैंने लिया है पानी, वो भी डाल दूंगी। लेट लगा के इसको 2 विसल होने तक हम पका लेंगे। मटर को अलग से बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि सब्जियों को जब मैश करेंगे तो मटर को ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगी 2 विसल के लिए। चलिए मीडियम फ्लेम पर 2 विसल हो गई, अब ओपन करके देख लेते हैं। एक मैशर की हेल्प से आप सब्जियों को मैश कर लेंगे इस तरह से कुकर में ही। अगर आपके प्रेशर कुकर में सब्जियाँ 2 सीटी में नहीं होती है तो आप एक और विसल लगवा कर अच्छी से उनको बॉईल कर सकते हैं। अच्छी से मैश कर लेंगे। चलिए, मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे, गरम हो गया है, भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है, मैंने फाइनली चॉप कर लिया था प्याज को, डाल देती हूँ। प्याज को हाई फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक हम सॉटे कर लेंगे। अनियन देखिए थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से पका लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए प्याज बहुत अच्छे से पक गया है, ब्राउन हो गया है थोड़ा और सॉफ्ट हो गया है। अब टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। पका लेंगे थोड़ा सा। फ्लेम मैंने हाई ही रखी है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। पाव भाजी मसाला डाल देते हैं, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था, लास्ट में नमक डाल देते हैं। अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल सके। देखिए मसाला बहुत अच्छे से अभी भुन गया है, मैंने फ्लेम को स्लो रखा है। अब सब्जियां ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल की थी ना, और अच्छे से मैश भी कर ली थी, सब डाल देंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर थे ये बॉईल हो गए हैं, इनको भी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को अब थोड़ा हाई कर लेंगे। मैं इस स्टेज पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूं, मिक्स कर लेते हैं।
पॉट लिड लगा के मैं इसको 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लूंगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी भाजी बनके तैयार हो गई है, एकदम जबरदस्त बढ़िया। देखिए बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के भी इसका कलर कितना अच्छा आया है। फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, इसे डिश आउट कर लेते हैं और पाव को गरम कर लेते हैं। मैंने एक तवा रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, गरम होता है तब तक हम अपने लिए बन मैंने लिया है, कोई पाव भी लेते हैं तो इसको मैं बीच से कट कर दूंगी। इस तरह से इसको बीच से काट लेंगे। तवे पर रख लेंगे, एक साइड बटर लगाएंगे, फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है, दूसरी साइड पलट देंगे, फिर से बटर लगा लेंगे। बटर अच्छे से लगाएं क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है बटर का ना। देखिए दोनों साइड अच्छे से बटर लग गया है, इसको हल्का सा दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो थोड़ा और अच्छा से कुक कर लेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगा, सॉफ्ट चाहते हैं तो इसको निकाल लीजिए अभी। देखिए भाजी को डिश आउट कर दिया है, थोड़ा सा डालेंगे बटर, धनिया लगाएंगे, हरी मिर्ची लगाएंगे, हल्की सी कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया पाव भाजी बनके तैयार हुई है, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलना।